मुकाबला किस तरह का रहने वाला है, वोटिंग की तैयारियां क्या हो गई हैं पूरी? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं तस्वीरें आपको पीलीभीत की दिखा रही हूं और यहां पर जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वरुण गांधी के टिकट काटकर जितिन प्रसादा को टिकट दे दी गई है, तो ऐसे में जनता जितिन प्रसादा पर अपना दाव लगाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और अगर यहाँ पर मतदान की हम तस्वीरें आपको दिखाएँ तो अभी हम एक मतदान केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं। इसी जगह को चौकी मनसा सिंह थाना कहा जाता है, जहाँ पर पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। और अगर पीलीभीत की बात की जाए तो 8 सीटों में एक ये हॉट सीट मानी जा रही है और यहां पर लगभग 1521 पोलिंग बूथ्स बना दिए गए हैं, साथ ही साथ 958 यहां पर केंद्र है जिनमें अलग अलग जगह पर वोटिंग होने वाली है। और ये जो केंद्र अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर भी 5 से 6 पोलिंग बूथ अंदर लगाए गए हैं, ताकि जो मतदान करने के लिए मतदाता आने वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से आप पुलिस यहां पर देख सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल और पूरी तैयारी इस केंद्र पर यहां पर पीलीभीत में की जा रही है। साथ ही जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है जो ऑन ड्यूटी चेकिंग करने के लिए आते हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो अंदर अभी यहाँ पर केंद्र में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारी है और जो भी वोटिंग के मतदान की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो ठीक से यहाँ पर की जा सके। हालांकि पीलीभीत जो है वो उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट मानी जाती है जहाँ पर हर साल वोटिंग का एक नया ट्रेंड सेट हो जाता है, क्योंकि जो पीलीभीत की जनता है वो जोरों शोरों से वोट करती है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदाता भी जो है वो जुड़ने लगे हैं। हालांकि अभी आधे घंटे का समय है, लेकिन आधे घंटे के बाद इस केंद्र पर पूरी ये उम्मीदें जताई जा रही है कि ये जो पूरा एरिया है वो मतदाताओं से लंबी लंबी कतारों से भर जाएगा, क्योंकि पीलीभीत की जनता को बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जागरूक है और अपना नेता चुनने के लिए खुलकर वोट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। साथ ही हम ये भी जानकारी दे दें कि पीलीभीत में बहुत से पिंक बूथ्स भी बनाए गए हैं, ताकि जो महिला मतदाताएं हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और जितने आयोग के अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। तो ये तैयारियां पीलीभीत में की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की वैन भी यहां पर खड़ी हुई है, लगातार पुलिस जो है। जी बिल्कुल, पीलीभीत में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुबह 7 बजे का इंतजार है। और देखिए अब कुछ ही मिनट बचे हैं, करीब करीब 29 से 30 मिनट का समय बचा हुआ है। अजय जांडियाल के पास जाती हूँ मैं, उधमपुर से मेरे साथ हैं। उधमपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की ओर से मैदान में एक बार फिर से अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे। उधमपुर सीट के बारे में बताइए, वहां के मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर आज जनता वोट करेगी? अजय आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए संपर्क जी। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे उधमपुर की सीट, कितनी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बार फिर से मैदान में है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट पर चुनाव मैदान में हैं। और अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह हालांकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, मगर फिर भी क्योंकि पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों की वजह से ही कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है कि शायद लोगों में आने में थोड़ी देरी होगी, क्योंकि सुबह भी लगातार बारिश हो रही है, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। और इस पर्व में भाग लेने की उनकी जो पूरी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो यहाँ भाग ले सकें। आप देखेंगे खासतौर पे पोलिंग बूथ्स को जो है इस तरीके से सजाया गया है, ताकि जो इस पर्व का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुँचना, उसको जो है वो मुकम्मल किया जा सके। सुबह सुबह ही जो सुरक्षा बलों के इंतज़ाम जो है वो कड़े किए गए, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो भी लोग जहाँ पोलिंग के लिए आए, यहाँ पर जो भी लोग मतदान के लिए आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अच्छे तरीके से मतदान जो है वो कर सकें। आपको बता दूँ कि ये उधमपुर सिटी का पिंक पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर आप देखेंगे खासतौर पर इसकी डेकोरेशन की गई है, और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग जब यहाँ पहुँचें तो उनको एक
माहौल इस तरह का दिया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। अगर आपको पिछले समय की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है दो बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि चौधरी लाल सिंह जो हैं वो भी दो बार चुनाव जीतकर यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके हैं। तो मुकाबला कहीं ना कहीं इन दोनों प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है और उनसे कहीं ना कहीं इसमें बड़ा ये दिलचस्प हो जाता है कि अब ये मुकाबला किस तरह से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप भी सुबह सुबह यहाँ पोलिंग के लिए पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लहर है भाजपा की। भाजपा के काम जो मोदी जी के काम हैं वो सब लोगों के सामने हैं, इसको मद्देनजर बीन एडिट वी मेड एन अमेंडमेंट इन द एक्ट वेयर क्वालिफाइंग डेट्स वर मेड 4 इंस्टेड ऑफ 1 ऑन 1st जनवरी ऑफ एवरी ईयर। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यंग वोटर्स, देयर आर वोटर्स इन ट्रांसजेंडर्स। इट्स अ ट्रूली इंक्लूसिव वोटर लिस्ट व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड। Now, campaigning of first phase is over, silent period is over. Now this is the day of polling, first one. So, it's for the voters to come, enjoy it at the polling station. So you mentioned that there are about 1 point voters. How much you have seen that in increase from the previous elections, and what is the one message that you want to give to the people who are going to come for the first time? It's very enthusiastic to see that young voters got enrolled. We also did lot of activities in the colleges and very youth specific activities. तो सुन रहे थे आप इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को। तैयारियां पूरी हैं, चुनाव आयोग की भी कुछ ही मिनटों का इंतजार और फिर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। लोकतंत्र का महापर्व है, इंडिया न्यूज भी लगातार ये अपील करेगा आज दिन भर अपने दर्शकों से, जो कि उन राज्यों से आते हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, कि घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका अधिकार है और इसे पूरा कीजिए। अलग अलग रिपोर्टर्स भी मेरे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मैं अब कूच बिहार पश्चिम बंगाल जाती हूँ रैनिक दत्ता के पास। रैनिक, 3 सीटें पश्चिम बंगाल की 42 में से जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, कूच बिहार की सीट कितनी महत्वपूर्ण है, मुकाबला कितना दिलचस्प है इस सीट पर? एकदम ही देखिए, कूच बिहार सीट को लेकर ही सबका नजर है, क्योंकि इधर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट निशित प्रामाणिक वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मगर मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि कूच बिहार का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति पिछले टाइम भी दिखा गया था। कूच बिहार बहुत ही मामले में गर्म हुआ था। 2021 साल में शीतलकुची में एक हमला हुआ, एक हादसा का घटना हुआ था, उसके बाद ही इस जगह में प्रोटेक्शन को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता था कि किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। 112 कंपनी सीआरपीएफ दिया गया है। मैं अभी खड़ा हूं कूच बिहार का एक मॉडल बूथ, 9 मॉडल बूथ तैयार किया गया है कूच बिहार में। मोट टोटल 2000 के ऊपर पोलिंग बूथ है, उसमें से एक मॉडल बूथ तैयार किया गया है। मगर इस बूथ में भी सीआरपीएफ जवान को पोस्टिंग कर दिया गया है। पूरा जो कूच बिहार का 2043 बूथ है, उस जगह में सीआरपीएफ पोस्टिंग कर दिया गया है। और सीआरपीएफ जो जवान है वो लोग निश्चित कर रहे हैं कि सब लोग वोट दिया जाए। आज सुबह से ही सब लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, आज तो वोट का माहौल है। कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करके ये चुनाव होगा? कौन से मुद्दे को? कर्मसंस्थान। কর্মসংস্থানই আগে দরকার বেশি, কারণ আমাদের এখানটায় বেকারত্বের সমস্যা খুব বেশি, তো শিক্ষিত ছেলেরাও বেকার, সংখ্যাটাই বেশি। ये जो नया सरकार आने जा रहा है, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या चाहिए आप लोगों को? কাজের জায়গা বাড়ুক, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক, এটাই চাওয়া। देखिए, नौकरी के ऊपर एक फोकस रहेगा, कर्म संस्थान के ऊपर एक फोकस रहेगा, इसके ये सब मुद्दे को लेकर ही आज ये चुनाव होने जा रहा है। आज सुबह से ही और कुछ ही समय बाद इस पोलिंग स्टेशन में ही चालू होगा पोलिंग, और उसके साथ साथ ही कूच बिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों जगह का जो 5000 के ऊपर बूथ है उस जगह में पोलिंग स्टार्ट होगा। मगर इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा ध्यान सुरक्षा में है, क्योंकि बार बार से
बंगाल की तीन सीटें, कूचबिहार, अलीपुरद्वार, साथ ही साथ जलपाईगुड़ी, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मौजूदगी है हमारे संवाददाता की, जो वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।